वेलकम फ्रेंड्स टू आर चैनल एस्कॉर स्कूल ऑफ एक्सलेंस इन मेडिसिन। वी आर टीचिंग इज़ आर पैशन। सो टुडे वील प्रेजेंट ऑन नेफ्रोलिथियसिस। वील लर्न अबाउट नेफ्रोलिथियसिस, व्हाट इट इज़। ओके, सो इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज प्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट, एंड इन दिस पार्ट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ नेफ्रोलिथियसिस, इज़ नेफ्रोलिथियसिस एंड यूरोलिथियसिस सेम, एपिडेमियोलॉजी, etiology and types of stones. So let us begin. Same disease but different names, अलग अलग नाम बट बीमारी एक, क्या है? हम क्या बुलाते हैं? नेफ्रोलिथियसिस और रीनल कैलकुलाई और रीनल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स। अपन चाहे उसको कुछ भी बोले इन चारों नाम में से, बट इन सब का मीनिंग एक ही है, डिजीज इज द सेम। नेक्स्ट, व्हाट इज नेफ्रोलिथियसिस? एक्चुअली में नेफ्रोलिथियसिस है क्या? सो नेफ्रो, नेफ्रो मीन्स किडनीज, लिथियसिस, लिथियसिस मीन्स स्टोन। सो इफ देर आर स्टोन इन किडनीज दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियसिस। यू कैन सी इन द इमेज गिवन, उसमें आपको स्टोन दिख रहे होंगे किडनी में, और इसी कंडीशन को अपन नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं। सो नेफ्रोलिथियसिस स्पेसिफिकली रेफर्स टू कैल्कुलाई इन द किडनीज, मतलब वही स्टोन इन द किडनीज, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, नोशिया एंड वॉमिटिंग। सो नेफ्रोलिथियसिस की डेफिनेशन पूरी दी गई है। नेफ्रोलिथियसिस क्या है? जो कि किडनी में स्टोन होता है उसको नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं, और उसमें क्या क्या होता है? पेन मिल सकता है आपको, जो कि एक कमर में जो एक दर्द होता है अपन बोलते हैं, वो कमर का दर्द मिल सकता है, प्लस ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। सो व्हाट इज हिमेचूरिया? हिमेचूरिया इज अगर यूरिन में ब्लड आता है, ब्लड मीन्स आरबीसी या हीमोग्लोबिन कुछ भी आता है, तो उसको हम हिमेचूरिया बोलते हैं। ग्रॉस हिमेचूरिया का मतलब ये है कि अपने को यूरिन में ब्लड दिख रहा है, मतलब कि रेड यूरिन आ रहा है। अगर रेड यूरिन आ रहा है तो उसे हम ग्रॉस हिमेचूरिया बोलेंगे, और अगर हमारे को जब हमने यूरिन को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा उसमें आरबीसी दिख रही है, बट हमारे को रेड यूरिन नहीं दिख रहा, यूरिन का कलर रेड नहीं है, बट जब हमने उसी यूरिन को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, उसका यूरिन का एनालिसिस किया, तो हमारे को उसमें क्या हुआ? उसमें अपने को आरबीसी देखने को मिली। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। सो नेफ्रोलिथियसिस में दोनों मिल सकते हैं, ग्रॉस हिमेचूरिया भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया भी हो सकता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्टोन है, किस साइड पे स्टोन है, कैसा स्टोन है, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। और अगर रेड यूरिन है तो ज़रूरी नहीं है वो हिमेचूरिया हो, देर आर मैनी अदर कंडीशंस जिनमें रेड यूरिन मिल सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या है? नौशिया एंड वॉमिटिंग, दीज आर द सिम्टम्स जो कि स्टोन की इरिटेशन की वजह से होते हैं। सो फ्लैंक पेन, हिमेचूरिया, नौशिया एंड वॉमिटिंग, दीज आर द सिम्टम्स जो कि अपने को नेफ्रोलिथियसिस सजेस्ट कर सकता है कि पेशेंट मे बी हैविंग नेफ्रोलिथियसिस। नेक्स्ट हम आते हैं, इज नेफ्रोलिथियसिस एंड यूरोलिथियसिस सेम? तो दो टर्म्स हैं, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं? यस और नो? सो द आंसर इज नो, दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। सो नेफ्रोलिथियसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेफर्स टू द कैल्कुलाई इन द किडनीज, उसको रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, रीनल स्टोन भी बोलते हैं, किडनी स्टोन भी बोलते हैं। और यूरोलिथियसिस क्या होता है? यूरोलिथियसिस रेफर्स टू कैलकुलेट एनी साइट ऑफ होल यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम किडनीज, यूरेटर अप टू ब्लैडर। सो जो पूरा होल यूरिनरी ट्रैक्ट है, किडनीज से लेकर यूरेटर, फिर यूरेटर से लेकर ब्लैडर तक, और यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा में से स्टोन वैसे ही पास आउट हो जाता है, यूरेथ्रा की साइज के हिसाब से वो पास हो जाता है, तो हम उसको काउंट नहीं करते। सो किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, इनमें से किसी भी जगह पे अगर स्टोन है तो वो कंडीशन कॉमनली यूरोलिथियसिस कहलाती है। यूरो मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट और लिथियसिस मीन्स स्टोन। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, सो हम इसको यूरिनरी कैलकुलाई बोल सकते हैं, यूरिनरी स्टोन्स बोल सकते हैं, या फिर यूरेट्रिक कैलकुलाई अगर स्टोन यूरेटर के अंदर है, आइदर राइट यूरेटर में है या फिर लेफ्ट यूरेटर में है, तो हम इस कंडीशन को यूरेट्रिक कैलकुलाई बोल देते हैं। वेसाइकल कैलकुलाई भी बोल सकते हैं, वेसाइकल कैलकुलाई कौन सा? जो कि ब्लैडर में है, और उसी को हम ब्लैडर कैलकुलाई भी बोल सकते हैं। अगर ब्लैडर में है तो वेसाइकल कैलकुलाई या फिर ब्लैडर कैलकुलाई।
और अगर किडनीज में है तो हम उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं या नेफ्रोलिथेसिस बोलते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है, रदर नेफ्रोलिथेसिस इज अ पार्ट ऑफ यूरोलिथियसिस। सो नेफ्रोलिथियसिस यूरोलिथियसिस का ही एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एपिडीमियोलॉजी पे। एपिडीमियोलॉजी क्या कहती है कि सबसे कॉमन स्टोन किस में मिलता है। सो रीनल कैल्कुलाई आर कॉमन, बहुत कॉमन देखने को मिलता है, स्पेशली अपने यहाँ राजस्थान जैसी जगहों पे ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, समर वाली जगह पे ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल फीमेल रेशियो 4:3 होता है, सो मेल्स में ज़्यादा मिलता है, फीमेल्स में कम मिलता है। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी ऑफ द रीनल कैल्कुलाई डिपेंड्स अपॉन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। सो फर्स्ट इज एज, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 30 एंड 50 ईयर्स। तो 50% लोग मेनली 30 से 50 ईयर्स के बीच में मिलते हैं, 30 से पहले और 50 के बाद जो एज ग्रुप्स हैं उनमें बाकी का 50% रीनल कैल्कुलाई देखने को मिलता है, और बच्चों में भी अपने को देखने को मिलेगा और ओल्ड एज में भी देखने को मिलता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस। सो द प्रिवलेंस इज 50% लोअर अमंग ब्लैक इंडिविजुअल्स देन अमंग वाइट्स। तो वाइट पीपल में अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा और ब्लैक पीपल में कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट मोर फाउंड इन हॉट क्लाइमेट रीजन्स लाइक राजस्थान और जैसी जगहों पर। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल विद लो वाटर इनटेक ड्यू टू बिजी शेड्यूल। कोई बिजनेसमैन है या फिर डॉक्टर्स ही हैं, बहुत देर तक कंटिन्यूस पेशेंट देख रहे हैं, यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, वाटर का इनटेक नहीं है प्रॉपरली, तो उनमें रीनल कैल्कुलाई बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। सो इटियोलॉजी, कारण क्या है रीनल कैल्कुलाई बनने के पीछे कारण, कुछ फैक्टर्स हम पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं अल्टीमेटली वही चीज़ सामने आएगी। सो डाइट्री, डाइट्री में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस डी स्क्वामेशन ऑफ एपिथीलियम फॉर्मिंग अ नाइडस ऑन विच अ स्टोन इज डिपॉजिटेड। सो क्या हो रहा है, अगर विटामिन ए हमारी डाइट में कहीं ना कहीं कम है तो वो जो रीनल एपिथीलियम होती है उस एपिथीलियम का डी स्क्वामेशन, जिसको हम बोल सकते हैं एपिथीलियम को उखाड़ देती है, उसको उखाड़ने की वजह से क्या होता है, एक स्पेस बन जाती है उधर फॉर्मिंग अ नाइडस, और जैसे ही स्पेस बन जाएगी तो वहाँ पे जो भी कैल्शियम है या फिर यूरिक एसिड है वो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाएगा तो धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते वो एक स्टोन फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट इज अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्यूट्स एंड कॉलोइड्स। सो ये कैसे अफेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन कंसनट्रेट्स यूरिनरी सॉल्यूट्स अंटिल दे प्रेसिपिटेट। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, जो यूरिनरी सॉल्यूट होते हैं वो धीरे 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 कंसनट्रेट होते जाते हैं जब तक कि वो प्रेसिपिटेट नहीं हो जाते, और प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा, स्टोन बन जाएगा। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ यूरिनरी कॉलोइड्स विच एड्सॉर्ब सॉल्यूट्स और म्यूकोप्रोटीन्स विच चिलेट कैल्शियम माइट टेंड टू क्रिस्टल एंड स्टोन फॉर्मेशन। सो यूरिनरी कॉलोइड्स एक्चुअली में क्या करते हैं, सॉल्यूट को एड्सॉर्ब करा के रखते हैं, और अगर वो कम हो जाएंगे तो क्योंकि सॉल्यूट जो हैं हमारे यूरिन में वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वो स्टोन बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट पे। एक्चुअली यूरिनरी सिट्रेट करता क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट इन यूरिन एज सिट्रिक एसिड कीप्स रिलेटिवली इनसॉल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिट्रेट इन सॉल्यूशन। सो सिट्रेट क्या करता है, जो कि सिट्रिक एसिड की फॉर्म में स्पेशली होता है, वो जो कैल्शियम फॉस्फेट इनसॉल्यूबल है और सिट्रेट जो इनसॉल्यूबल है उसको इनसॉल्यूबल फॉर्म से सॉल्यूबल में कन्वर्ट करता है, और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से वो इजीली यूरिन में पास आउट हो जाते हैं, और अगर कहीं ना कहीं यूरिनरी सिट्रेट की कमी होगी तो वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में रह जाएगा, अच्छी तरह अगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा यूरिन में तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेक्स्ट, रीनल इन्फेक्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज। इन्फेक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई। सो यूरिनरी कैल्कुलाई बनाता है, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टोन फॉर्मेशन आर कॉमन व्हेन यूरिन इज इन्फेक्टेड विद यूरिया स्प्लिटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई एंड स्पेशली प्रोटियस। सो स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई और प्रोटियस ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें कि अपने को स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज एंड यूरिनरी स्टेसिस। इसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या होता है,
स्टोन्स आर लाइबल टू फॉर्म व्हेन यूरिन इज स्टैटिक। एक चीज़ समझिएगा, जैसे अपने एक कोई नाली है और उस नाली में से जैसे अपना कोई भी गंदा पानी निकलता है, अगर उस नाली में कहीं ना कहीं अपन वो गंदा पानी आगे नहीं निकल पाएगा, कहीं अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो जो उसमें गंदगी है वो एक जगह इकट्ठी होती होती उसको ब्लॉक कर देगी। सेम लॉजिक यहाँ पे है कि यहाँ क्या होता है, अगर अपन बहुत देर तक यूरिन नहीं पास करेंगे या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि अपने को यूरिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन पहले से है जिससे कि अपन यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो धीरे 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 इकट्ठा होता जाएगा, वहाँ प्रेसिपिटेट होता जाएगा और प्रेसिपिटेट होते होते वो स्टोन बना देगा। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। तो जो लोग एक जगह से हिल नहीं सकते हैं, तो इसमें एक्चुअली में रीज़न क्या होता है, इमोबिलाइजेशन इज लाइबल टू रिजल्ट इन स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन एंड इन इंक्रीज इन यूरिनरी कैल्शियम फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कैल्कुलाई। तो जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या आप मूव करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मतलब फिजिकली, तो क्या होता है, अपना जो स्केलेटल है उसमें से कैल्शियम बाहर नहीं आता, ठीक है, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होता रहता है, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक दोनों एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बट इमोबिलाइजेशन होने की वजह से, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट्स हैं, सपोज़ करिए पैरालिसिस का पेशेंट है, या फिर अपन बात करें उन पेशेंट्स का जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ है और 1-2 महीना बेड रेस्ट पे कंटिन्यू है, तो उनमें क्या होता है, स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि जो बोन्स का ऑलरेडी कैल्शियम है वो बोन्स का कैल्शियम उस बोन में से बाहर आता जाता है। बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, जो ब्लड सीरम है उसका कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ा देगा, और वो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा। और इसको समझिएगा, अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है जिस तक वो कैल्शियम को एक्सक्रीट करा सकता है, बट अगर उससे पार चल जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाएगा, मतलब कैल्शियम अगर जितना वो एक्सक्रीट करा सकता है यूरिन में किडनीज, और अगर उससे ज़्यादा कैल्शियम आ रहा है, तो वो कैल्शियम क्या होगा, वो कैल्शियम धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होकर किडनी में स्टोन बना देगा। नेक्स्ट हम कॉज पे आते हैं, हाइपर पैराथायरायडिज्म। यही लॉजिक जो अपन ने पिछले में दिया, ये सेम यहाँ पे होता है। एक्चुअली पैराथॉर्मोन क्या करता है, सीरम कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है, और अगर वही पैराथॉर्मोन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सो हाइपर पैराथायरायडिज्म की कंडीशन हो जाएगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम सीरम में रखेगा, और सीरम में हाइपर कैल्शीमिया हो जाएगा। हाइपर पैराथायरायडिज्म लीडिंग टू हाइपर कैल्शीमिया एंड हाइपर कैल्शियूरिया इज फाउंड इन 5% और लेस ऑफ दोज हु प्रेजेंट विद रेडियोपेक कैल्कुलाई। सो इसमें क्या होगा कि वो जो कैल्शियम है वो सीरम में ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से वो अगेन सेम, वो ज़्यादा पास होगा यूरिन में, तो जितना कर पाएगा किडनीज उतना कर पाएगा, अदरवाइज बाकी का जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन बना देगा। और मेनली याद रखिएगा, वो केसेस जिनमें रिकरेंट स्टोन्स या फिर मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, इन केसेस ऑफ रिकरेंट और मल्टीपल स्टोन्स दिस कॉज शुड बी एलिमिनेटेड बाय अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस। तो वो केसेस जिनमें कि बार बार स्टोन बना रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्टोन पास हो रहा है, बट थोड़े टाइम में 6 महीने बाद 1 साल बाद पेशेंट आपके पास वापस आ जाता है कि स्टोन बना है। और इसके अलावा अपने को एक एक किडनीज में 3-4 मल्टीपल स्टोन्स देखने को मिलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय हाइपर पैराथायरायडिज्म। इसके अलावा कुछ कॉजेज और हैं जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, वो स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं स्पेशली, जैसे कि PCKD वाली कंडीशन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, या फिर हॉर्स शू शेप्ड किडनीज हैं, ऐसे कंडीशंस में भी स्टोन फॉर्मेशन इजीली होता है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ रीनल कैलकुलस। तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, कौन कौन से टाइप्स के रीनल कैलकुलस अपने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ये सबसे कॉमन होते हैं, 75% केसेस में हमारे को कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स मिलते हैं। सो दीज यू कैन सी, ये आपको यूरिन जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये उसकी पिक्चर है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, दीज आर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये एनवलप शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, और ये उन पेशेंट में मिलते हैं जिनमें कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है उसके स्टोन्स बन रहे हैं, तो उसके स्टोन्स बन रहे हैं तो उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो यूरिन में पास होते रहते हैं। सो कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि 75% केसेस में
मिलेगा। नेक्स्ट 15% केसेस में आपको कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स मिलेंगे, दीज आर स्टोन्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड जो ओनली 8% केसेस में मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्टूवाइट। स्टूवाइट एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ जब एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो उसको हम स्टूवाइट स्टोन बोलते हैं। ये कुछ करीब 1% केसेस में मिलता है। इसकी आप फॉर्मेशन देखिएगा, बिल्कुल नुकीले नुकीले से पत्थर होते हैं। इसमें आपको ग्रॉस हिमेचूरिया ऐसे केसेस में देखने को मिलेगा जहाँ स्टूवाइट स्टोन है, बट ओनली 1% केसेस में ये स्टोन बनते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टीन जो कि लेस देन 1%, 1% से भी कम केसेस में हमारे को सिस्टीन के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट फर्स्ट ऑफ नेफ्रोलिथियसिस। सो पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड भी जल्दी आएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डिजीज़ कंडीशन पढ़नी है तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू अगेन।